Hello everyone! Welcome to Magnet Brains. I am Malina you UIGKO. That is International GK Olympiad Educationalist for Grade 9th. As you can see over here, today our topic is very interesting. बढ़िया टॉपिक है पता होना चाहिए नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में आई के वो एग्जामिनेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ही उसके लिए इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक लेकिन आज जो हम इन्वायरमेंट में टॉपिक करने वाले हैं बायोफ्यूल का ये आज की डेट में जिसको हम बोलते हैं ना द नीड ऑफ एन आर होना ये बिल्कुल द नीड ऑफ एन आर है मतलब आपको मालूम है ना जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट हमने इतनी गहराई में हम पढ़ रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट है और इतना सारा हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे हैं शॉर्टी नोट्स में भी हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो हमें मालूम है कि आज के डेट्स में सबसे बड़ी बात हम क्या कर रहे हैं हमें किसी भी तरह से कार्बन एमिशन रोकना है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को रोकना है ठीक है और हमें क्या करना है रिनीएबल सोर्सेज जो हैं हमारी एनर्जीज़ के उनका डिप्लीशन रोकना है उनको हमको ऑप्टिमाइम यूटिलाइजेशन उनका करना है बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं है, है ना सबसे बड़ी बातें और जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुँच रहा है हमें वो रोकना है और हमें किसी तरह से क्लियर या ज़्यादा बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं चीज़ों के जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं ताकि जितनी लेवल पर जितनी तेज़ी से डिप्लीशन हो रहा है उसको हम किसी तरह से उसकी रोकथाम कर पाएँ है ना ये सारे टॉपिक हमको पता है तो उसी में आज हम बात करने वाले हैं बायोफ्यूल की और बायोफ्यूल जैसे कि आपको मालूम है कि क्या है वो हम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेस पर जब अपन पढ़ाई करते हैं तो आपको मालूम है कि अपने को क्या नहीं करना होता सब्सक्रिप्शन नहीं देना होता कोई फीस नहीं देनी होती कुछ नहीं करनी होती पढ़ाई करनी होती है बस बढ़िया से और पढ़ाई अपन पूरी फुल ऑन करते हैं है ना ऐसा नहीं होगा कि दो चैप्टर पढ़े और उसके बाद काम हो गया अपना अपन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके अलावा भी, भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए अब इस इसमें आ जाओ जैसे बायोफ्यूल क्या हुआ ये सीधे सीधे जैसे बायोफ्यूल यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है तो आपको यही देख के समझ में आ रहा है कि बायोफ्यूल मतलब क्या थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टाइप की आपको फीलिंग दे रही है हरी भरी टाइप की फीलिंग दे रही है तो बायो फ्यूल मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है जाहिर सी बात है वो तो अपन को समझ में आ ही रहा है ठीक है बायो और फ्यूल है हाँ ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायो और फ्यूल अब इसमें अपन बात कर लेते हैं तो कैसे ये एक सर्कल बना हुआ है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था ना कुचक्र के बारे में बताया था मैंने आपको वैसे ये सुचक्र है ठीक है मतलब ये विशेष सर्कल नहीं है ये अच्छा सर्कल है और ये क्या बात कर रहा है ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिप्लेस करने की बात नहीं हाँ को रिप्लेस करने की बात कर रहा है नॉन

क्या है कॉल एथेनॉल जो है इट्स वन ऑफ दी मोस्ट इफेक्टिव बायो फ्यूल माना जाता है मेथनॉल एथेनॉल ये जो है बायो इफेक्टिव माने जाते हैं बायो फ्यूल्स माने जाते हैं ठीक है अब जैसे अपन ने यहाँ आ गए अब वापस आ जाते हैं जैसे मैंने कहा था कि पर वापस आ जाएंगे फिर सूच चक्र पे ठीक है तो बेसिकली क्या हो रहा है ये सूच जो है वो क्या है आ, पेड़ पौधे जो हैं क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं सब कुछ करते हैं फिर यहाँ से लॉक्स जो है स्टॉक्स है, आते हैं आपके ठीक है फीड स्टॉक्स से आपका क्या बनता है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन जो है अगर आप इसमें करते हैं क्या बोलते हैं कार्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो आपका सी का एमिशन जो है वो होता तो है लेकिन सी का एमिशन थोड़ा कम हो जाता है ठीक मतलब बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं अपन क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं अपन फोसल फ्यूल इस्तेमाल ना करते हुए अपन बायोफ्यूल कर रहे हैं जिससे अपन क्लीन एनर्जी को रोटेट करने की बात कर रहे हैं ठीक है मोटे मोटे तौर पर अब ये मिटा देते हैं अपन अब ये तो अपन ने पढ़ लिया है इसके बाद अपन समझ लेते हैं कि बायोफ्यूल होता क्या है बायोफ्यूल का मतलब हमें समझ में आ गया है और थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बायोफ्यूल जो है वो रेफर करता है कि इसके लिए लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल के लिए ठीक है लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल के लिए रेफर करता है मतलब क्या आप एक बात कर सकते हैं जिसमें एथेनॉल आ गया या बायोडीजल आ गया जिसको डिराइव करते हैं आप से है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से या बायो प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चरल उसके या फॉरेस्ट या एनी अदर ऑर्गेनिक मटीरियल जैसे कि फीड स्टॉक ठीक है अब इसमें आप क्या करते हैं बेस्ड ऑन द फीड स्टॉक जो कि रॉ मटेरियल होता है उसको आप क्या यूज करते हैं या क्या प्रोड्यूस करते हैं आप बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं हैं जो कि क्लासिफाई किए जाते हैं फोर कैटेगरीज में या फोर जनरेशन में ठीक है अब इसमें अगर मैं बात कर लूँ आपको एक सिंपल सा टर्म अगर आपने सुना हो बायोमास ठीक है बायोमास का अगर आपने टर्मोलॉजी सुनी है कई लोग बायोमास को सीधे सीधे इनॉनमल समझते हैं बायोफ्यूल का या बायोडीजल का अब होता क्या है ये कि बायोमास एक तरह से आपको बहुत सिंपल सी बात में ये समझना है कि बायोमास से जो प्रोड्यूस होता है शॉर्ट टर्म हुआ बायोमास से फ्यूल बनाना जो है वो बहुत जल्दी हुआ ना वो कार्य थोड़ा जल्दी हुआ तो फास्ट फॉरवर्ड एक्शन में एक काम होता है शॉर्ट चेन uh, है इसकी मतलब अगर आप नेचुरली अगर आप बायोमास से या बायो फ्यूल बना रहे हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी कम है राइट कंपेयर टू अगर आप पूरा जो ट्रेडिशनल फॉर्म देखते हैं अगर आप जो नेचुरल स्लो प्रोसेस देखते हैं जो फॉसिल फ्यूल बनता है जैसे ऑयल जिससे बनता है तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया है ऑयल कोई ऐसा तो होता तो नहीं है कि चार दिन दस दिन पंद्रह दिन पचास दिन में बन जाएगा बहुत स्लो प्रोसेस है उसके बनने का और वो रिन्यूएबल भी नहीं है मतलब उसको आप फिर से रिन्यू चाहें भी तो आप नहीं कर सकते राइट लेकिन बायोफ्यूल आप कर सकते हैं और वो क्लीन एनर्जी भी है मतलब उसका जो अगर आप इमिशन रेट मानते हैं सी का तो वो भी क्लीन है इसी वजह से एथेनॉल जो है वो मिक्सिंग या ब्लेंडिंग की बात की जा रही है पेट्रोलियम में ठीक है तो आप एक तरह से उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग में बना सकते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है जो दुष्प्रभाव इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई है अब इसमें जब हम बात करते हैं पहली जनरेशन का पहली जनरेशन में बात हो रही है बायोफ्यूल्स जो है वो मेन सोर्स माने जाते हैं ग्लोबली डिस्पाइट 140 बिलियन टन ऑफ एग्रो वेस्ट एंड बायोमाल जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एवरी ईयर अब होता ही है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो अगर बायोफ्यूल्स का बात करते हैं तो मेन सोर्स माना जाता है बायोफ्यूल uh, का लेकिन उसके बावजूद क्या है जितना जो वेस्टेज है या जितना जो बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उस हिसाब से उस रेशियो में अभी वो वहाँ नहीं पहुँचा है जितना इसको पहुँचने की जरूरत है ठीक है अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया रीच नाइन एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड पेट्रोल इन मे टू जैसे मैंने आपसे कहा ठीक है कि इसमें आप पहुँच गए हैं लेकिन अभी तक भी जैसे दस मैंने तौर पर

9 ही हुआ है लेकिन जो शुरुआत थी हमारी वो हो गई है तो अब आपको मालूम है कि जब पहली जनरेशन के हम बायोफ्यूज की बात करते हैं तो उसमें मेड फ्रॉम फूड रिलेटेड सोर्सेज शुगर और स्टार्च आ जाता है मटीरियल जो कि ऑफन यूज़ किए जाते हैं फूड सोर्स ऑफ पीपल एंड एनिमल एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं जैसे कोर कौन एथेनॉल की जब मैंने बात की आपसे वो शुगर सोयल सोएबीन से आ जाता है और बायोडीजल जो है वो सोएबीन से आ जाता है दोनों जो चीज़ें हैं वो सोएबीन से आ जाती हैं ठीक है एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आपको मालूम है सब्सिडाइज भी किया जाता है जो फार्मर्स वगैरह को इनके लिए जो आपको लगाते हैं जो खेती किसानी करते हैं उनको सब्सिडी का भी प्रावधान जो है सरकार ने रखा है इसके लिए सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल के अगर हम बात करते हैं तो जिसको हम कहते हैं अभी तो ये फर्स्ट जनरेशन ही चल रहा है हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वो अभी फर्स्ट जनरेशन में ही कर रहे हैं ठीक है सेकेंड जनरेशन जो है उसको कहेंगे आप सेल्यूलॉसिक बायोफ्यूल्स ठीक है अब इसमें क्या होता ये है ये काय से बनते हैं ये नॉन फूड सोर्सेज से बनते हैं जिसमें एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या बायो प्रोडक्ट्स आ, आ जाते हैं वुड चिप्स आ जाती हैं या वेस्ट क्रॉप्स आ जाते हैं ठीक है थीके? तो इसका सेकेंड चरण है या सेकेंड जनरेशन है इसकी और राइट right? थर्ड जनरेशन जो है वो कहलाती है आपकी एल्गल बायोफ्यूल्स ठीक है ये प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं एक्वेटेड फीड स्टॉक से जिसमें एल्गी आ जाती है इसका मेन जो है आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं एल्गल बायोफ्यूल कि ज़्यादा जो उसका बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है एल्गी है ठीक है अब इसमें अगर अपन चौथी जनरेशन की बात करते हैं बायोफ्यूल की तो ये डेवलपमेंटल स्टेज बायोफ्यूल कहलाता है जिसमें बायो इंजीनियर्ड बायो ऑर्गैनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है तो आपको चारों जनरेशन समझ में आ गई है ये इंपॉर्टेंट है पहली जनरेशन जो है वो काहे से बन रही है वो बेसिकली आपके सीधे सीधे फूड सोर्स से और एनिमल से बन रही है ठीक है जो फूड सोर्स ऑफ पीपल या एनिमल होता है उससे बनती है मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो एथेनॉल का आप मान लीजिए जो कि शुगर या सोयाबीन से आती है ठीक है इसमें अगर आप बायोडीजल की बात करते हैं तो वो सोयाबीन से बनता है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा जनरेशन जो है वो भी आपको क्लियर हो गया कि हम सेलॉसिक की बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट से बनता है सीधे सीधे तौर पर आप समझिए कि वो वेस्ट से बनता है या वो चिप से बनता है ठीक है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बनता है थर्ड जो है वो एलगल है जो कि आपको मालूम है नाम से आपको समझ में आ रहा है डिपेंड करता है जो एलगी से बन रहा है और चौथी जनरेशन जो है वो कौन सी है डेवलपमेंटल स्टेज कहलाती है ये बायोफ्यूल्स की चौथी स्टेज और इसमें बात होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और बायो इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और बेसिकली क्या ऐसे होती है ये जेनेटिकली इंजीनियर होती है जो कि फ़ीड स्टॉक से बनता है ठीक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक के साथ ही माइक्रो फ्यूल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको क्या किया जाता है उनको प्रोसेस किया जाता है लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको आप प्रोसेस जब करते हैं तो वो फ्यूल्स बनते हैं और वो कौन से होते हैं बायो फ्यूल्स होते हैं फो जनरेशन के अब जैसे बायोफ्यूल्स के बारे में हमें एक चीज़ मालूम है कि हमने बार बार ये डिस्कशन भी किया कि बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो उनकी जो बन बनने बनने की जो एक स्पेस होती है या जो आप कह सकते हैं एक टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है कम्पेयर टू द फॉसल फ्यूल्स ऑफ कॉर्स जो नेचुरल फॉसल फ्यूल्स बनते हैं उसको बहुत लंबा टाइम चाहिए बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है बनने के लिए बायोफ्यूल्स के साथ वो चीज़ नहीं है एंड सेकेंडली उसका इतना ज़्यादा इल इफेक्ट नहीं है या आप कह सकते हैं कि एन्वायरमेंट पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता या कुछ नहीं होता ये तो हम नहीं कह सकते कम होता है कंपेरेटिवली बहुत कम होता है अगर हम बायोफ्यूज का टाइमलाइन देख लेते हैं इंडिया में डेवलपमेंट का तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हमने जो ये इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोडक्ट की बात की थी या इथेनॉल ब्लेंडेड जो हमने पेट्रोल की बात की थी ई की ये सबसे पहले दो में आया था ठीक है दो में लाइक जैसे ही मिलेनियम की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर मतलब जब मिलेनियम गोल था हमारा तो वन ऑफ दी गोल्स था कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ अपने आप को मूव करना है दिस वॉज वन ऑफ दी गोल्स मतलब जब आपको मालूम है ना कि जब हम रेजोल्यूशन बनाते हैं साल भर के बनाते हैं ना न्यू ईयर के टाइम पे साल भर के वैसे ही जब सरकार ने बनाया था तो एक ये रेजोल्यूशन जैसा था कि हमें इस शताब्दी में जिसमें हम एंटर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है क्लाइमेट चेंज पे एनवायरनमेंट पे और हमें सारी जो चीजें हैं जो कि पिछले सदी में हमें जिस चीजों ने, ने परेशान किया या जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स रहे हमको उनसे उभरना है सो वन ऑफ द की फैक्टर्स वॉर्स क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट एंड टू गो फॉर द क्लीन एनर्जी तो इसके चलते 2001 में अगर आप बात करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो है इसका वो चालू किया गया इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की गई और पायलट प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें बात की गई कि पाँच परसेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग से चालू किया जाएगा और पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी ठीक है हालाँकि इसके जो ने प्रोजेक्ट रखे थे जो टारगेटेटेटेटेट रखे थे अगर वो आप देखेंगे तो दो तक अगर आप देखें तो इनका कहना था कि बीस तक एथेनॉल ब्लैंडिंग हो जाएगी जो कि नहीं हो पाई वो हमें पता है राइट लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी पाइपलाइन में है अभी भी जो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक एम है वो अभी भी अपनी जगह पर है नाउ गवर्नमेंट ऑफ लॉन्च ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम फॉर सेल ऑफ फाइव परसेंट एन नाइन यूटीज़ फ्रॉम जनवरी टू थ्री मतलब इन्होंने कहाँ पे किया पायलट प्रोजेक्ट था इनका तो अक्रॉस इंडिया तो इन्होंने नहीं किया उसको इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल भी नहीं था इनके लिए तो इन्होंने नो स्टेट्स और यूटीज उठाए जिसमें से ये इंप्लीमेंटेशन जो है पहला प्रोसेस जो है इसका करेंगे और उसको इन्होंने पहला चरण जो है वो दो में स्टार्ट हुआ ठीक है उसके जब 2009 बाद जब दो की बात आती है तब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लॉन्च की गई जिसमें यह किया गया कि आपको जैसे मैंने कहा कि दो तक का इन्होंने टारगेट रख दिया कि हमें बीस तक ब्लेंडेड बायोफ्यूल्स जिसमें बायो डीजल और बायो एथेनॉल दोनों की बात हो रही है वो हमें लॉन्च करना है ठीक है इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं तो 2014 में ये बात की गई कि आपको इंट्रोडक्शन करना है कि इसका प्राइस मेकानिज़म का प्राइस मेकानिज़म मतलब आपको ये मालूम है कि जब आप ई पी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो एथेनॉल को अगर आप रोका करना चाहते हैं या कॉर्न एथेनॉल को आप रोका करना चाहते हैं तो उसमें एक एडमिनिस्टर प्राइस मेकानिज़म होना चाहिए उसमें एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें डायनमिज़म प्राइजिंग में नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कि हर जगह कोई अलग प्राइजिंग चल रही है ये नहीं हो सकता आपको किसी ना किसी से उसको एडमिनिस्टर्ट होना चाहिए उसके प्राइस मेकानिज़म और इसी वजह से जैसे मैंने कहा कि आजकल सब्सिडीज़ वगैरह भी प्रेजेंट या भी दी जाती हैं फार्मर्स को जो कि इसमें जो कि कॉर्न्स वगैरह या उसका आप प्रोडक्शन करते हैं और एथेनॉल के लिए आपको सब्सिडाइज रेट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 2018 की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे बात होती है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूज दो की जिसमें अब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो इन्हेंस कर दी गई है फॉर ऑगमेंट ऑफ बायो प्रोडक्शन बायो फ्यूल प्रोडक्शन इन इंडिया दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग्स जिसमें आपको मालूम है कि हम अगेन वो बात कर रहे हैं क्यों किया जा रहा है चाहे आप वो सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको बायोफ्यूल का जो जो भी प्रोडक्शन है बायोफ्यूल प्रोडक्शन का वो आपको देश में बढ़ाना है और उसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं या आप उसको पुष्ट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को दिस इज वॉट इट मीन्स राइट तो ये आप दो के तहत इसको समझ सकते हैं नाउ जब हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 का इसका बेसिकली एम क्या है इसमें करना क्या है एम अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है टू इंक्रीज यूसेज ऑफ बायोफ्यूल्स इन द एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री इन द कमिंग डेकेट मतलब आपको क्या आने वाला जो दशक है मतलब अगर अभी बात कर लेते हैं हम दो की तो आपको मालूम है जैसे मैंने एस की बात की थी तो दो तक का हमारा Uh, जो टारगेट है वो 2030 तक का है लेकिन अगर आप बायोफ्यूल की बात करते हैं तो उसमें 2030 तक जो चीज़ें हम वर्कआउट कर रहे हैं जो चीज़ें हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं या हम एक तरह का एक एक लेवल ऑफ यू नो एक लेवल ऑफ अचीवमेंट पे आने की बात कर रहे हैं कि पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकली वाइबल थिंग हम ये बोलें कि हम दो तक जितने हमारे एस के टारगेट से हम सारे अचीव कर पाएंगे बट अगर हम एक रिस्पेक्टेबल मार्जिन uh, तक भी पहुँच पाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ राइट क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको देख के समझ के चलने पड़ेंगे वैसे ही यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो बायोफ्यूल्स एनर्जी की अगर आप बात करते हैं तो इंक्रीज करने की बात कर रहा है बायोफ्यूल्स को एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कहाँ पे अगले आने वाले एक दशक में ठीक है और इसमें आप बात कर सकते हैं टू यूटिलाइज डेवलप एंड प्रमोट डोमेस्टिक फीड स्टॉक एंड यूटिलाइजेशन फ़ॉर प्रोडक्शन ऑफ़ बायोफ्यूल तो इससे दो चीज़ें होंगी कि डोमेस्टिक फीड स्टॉक अगर आप करते हैं और उससे आप बायोफ्यूल बनाते हैं जैसे आपको मालूम है गोबर गैस वगैरह एक बीच में बहुत ज़्यादा चला था बहुत ज़्यादा अभी भी होता है लेकिन अभी बीच में शुरू में मतलब ये मैं आपको बताऊँ दो के आसपास लेट नाइन्टीज में और दो के जो शुरुआती दशक था उसके टाइम पर जब इसके बारे में बात होती थी तब वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मतलब लोग जो है एक छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि

बायोडीजल एंड बायो सी इसमें कवर होता है अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसका ठीक है इम्प्लीमेंटेशन वो तो एम है इम्प्लीमेंटेशन समझने का दूसरा चरण है इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है बाय नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको एनबीसीसी बोलते हैं ये सेटअप की गई है 2020 में ठीक है मतलब आज से दो साल पहले ठीक है इसको किसने चेयर किया था मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को रिप्रेजेंटेटिव कितने थे इसके चौदह मिनिस्टर्स थे और चौदह डिपार्टमेंट्स थे चौदह डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स ने इसको वो क्या था रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी जो चेयर पे थे वो कौन थे चेयरपर्सन जो थे इसके वो आप कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे अब डिसीजन क्या लिए गए एक्चुअली अगर हम इनकी स्टडी करते हैं कि इसमें डिसीजन क्या लिए गए पहली बात था कि इसको बनाया क्यों गया सबसे बड़ी बात अगर कोई चीज़ गठित हुई है या कोई भी कमेटी गठित हुई है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई एजेंडा ज़रूर होता है ना तो इसका जो एजेंडा था मीटिंग का वो क्या था पहली बात

दूसरी बार जब हम बात करते हैं तो दूसरा एजेंडा ये था कि प्रोवाइड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन अमंग एफ सी एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसके बाद ये था कि एक बार आपने इसका आकलन कर लिया आपको ये आंकड़े आपके हाथ में आ गए कि कितनी जो लोग हैं या जितनी कंपनीज हैं या कितने समुदाय हैं या जो भी सेटअप्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं फिर नेक्स्ट चरण क्या होता है कि आपको उनसे कॉर्डिनेट करना है और आपको कॉर्डिनेशन करना है बिटवीन किसके बीच में आपको स्थापित करना है कॉर्डिनेशन एफ के बीच में और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बीच में ठीक है क्योंकि अगर आप जब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आप इसमें टाप इन नहीं करेंगे या लूप इन नहीं करेंगे तो ये इन हाउस आप आप कितना कितना भी भी कर लीजिए इन हाउस उस काम कर लीजिए उसका जो आपको कहते हैं जो फायदा होना चाहिए चाहे वो आप क्लाइमेट की बात कर करें क्लाइमेट के उसमें बात कर ले कॉन्टेक्ट में बात कर लें या मोनिटरी बात कर लें है ना तो वो फायदा आपको उतना नहीं मिलेगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कै यू गो गो थ्रू द प्रॉपर चैनल राइट तो उसके लिए आपको क्या करना है ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आपको बात करनी है अब इसमें नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम अचीव डेड टारगेट जो दूसरे फीचर्स हैं जिसके में ये बात स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिखी है कि बहुत सारे टारगेट जो हैं वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़े से अनरियलिस्टिक टारगेट हम सेट कर देते हैं जब हम कोई चीज़ करते हैं तो कई बार मतलब ये आप लोगों के साथ होता होगा ना कि जब पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो एजुकेशन में भी टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल पता चला जब लगाया है दीवार पर तब तो बहुत ही सही लग रहा है वो टाइम टेबल है ना तब तो बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट आपने दो घंटे मैं इसमें करूँगा दो घंटे मैं खेलूँगा दो घंटे मैं सोऊँगा दोपहर में उसके बाद मैं फिर उठ के पढ़ाई करूँगा फिर मैं तीन घंटे एस एस टी फिर मैं साइंस

सम्हा नो you know. तो उसमें क्या होता है आप उसमें फिर थोड़ा टारगेट को अमेंड करते हैं फिर वो जो दो घंटे रोज साइंस पढ़ूंगा की जगह आप कर देते हैं उसको 1.5 कर देते हैं फिर जो दो घंटे सोऊंगा को आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार के तीन घंटे सो जाते हैं चलो है ना या प्ले का टाइम जो है आपने आधा घंटा रखा है तो उसको आप क्या करते हैं एक घंटा कर देते हैं कि फीजिबल नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं अपने जो टारगेट आप सेट करते हैं वो आप उसमें फेर बदल करते हैं है ना थोड़े से अमेंडमेंट करते हैं जो आपको प्रैक्टिकली लगता है कि भाई अगर प्रैक्टिकली अपन को करना है तो उसमें बदल करना पड़ेगा ये हवा हवाई बातें नहीं चल पाएंगी ठीक है तो अब वही हर जगह होता है जब कोई भी टारगेट सेट करते हैं या इनफैक्ट कमिटीज़ में भी सेट करती हैं या टारगेट मीटिंग्स में भी जो एजेंडा सेट होते हैं या इनफैक्ट आप कभी मम्मी पापा या आपके घर में कोई भी अगर मार्केटिंग वगैरह की जॉब करता हो ना तो उनको भी पूछिएगा कि जो मार्केटिंग में जो एजेंडा जाते हैं ना कंपनीज में वो हमेशा जो अचीवेबल टारगेट होता है उससे कितने गुना ज्यादा होते हैं ठीक है वो सबको मालूम है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है जो टारगेट अपन को दे दिया गया है लेकिन वो दे ऐसे दिए जाते हैं कि भाई आप कोशिश तो कीजिए वहाँ नहीं पहुँचे कम से कम सौ पे नहीं पहुँचे तो पचहत्तर पे तो आओगे ठीक है तो वो वाली चीज़ होती है तो अब इसमें क्या किया गया है इसको आपने चेंज करने की बात की है और चेंज करने में आपने किस में बात की है कि आपने बात की है कि इसमें अमेंडेड टारगेट्स क्या है फाइनली ये हुआ कि भाई इतना तो नहीं हो पाएगा अमेंड कर लेते हैं टारगेट्स तो आप कैटेगराइजेशन कैसे हुए बायोफ्यूल की इसको आपने तीन जनरेशन में किया ठीक है और उसमें क्या सपोर्ट किया आपने प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन एथनॉल बायो रिफाइनरीज थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग

जो भी आप कह सकते हैं कि फूड ग्रेन्स ये सीरियल्स जो भी आपके पास सरप्लस हो रहे हैं उनको भी आप रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं ठीक है ये आपने कर लिया इसके बाद आपने क्या किया आपने डेवलप किया नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अ ऑफ द बायोमास अक्रॉस द तर... कंट्री अब आपने क्या किया आपको डेवलप करने की जरूरत समझ में आई बायोमास की रिपोजिटरी किस कैसे आपको अप्रेजल कंडक्ट करना, करना पड़ा बायोमास का पूरी कंट्री में है ना तो ये करके आपने काम कर लिया तो इसमें आपने बेसिकली क्या किया कि आपने जो बेसिक आपके काम थे मतलब जो बेसिक आपको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो पहला आपने चरण जो है पूरा कर लिया अब जब मैं ये देखती हूँ अब आप अपने ये समझ लेते हैं कि इसमें अपार्ट फ्रॉम एडवांसिंग ऑफ टारगेट कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या हुआ है इस बिल में आपको ये समझ लेते हैं पहली बात हो रही है यूज ऑफ मोर फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फीड स्टॉक्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको फीड स्टॉक्स भी ज्यादा चाहिए होंगे अगर आप चाह रहे हैं क्या प्रोडक्शन हो बेटर बायोफ्यूल्स का उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स अंडर द मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम आप आपको मालूम है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया का मतलब आ, सरकार का मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसमें किस में बात हो रही है मेक इन इंडिया मतलब कि आप इस पर जो अपन कहते हैं ना इंडिजिनस गो इंडिजिनस गो उसकी बात हो रही है ठीक है तो इसके प्रोग्राम के तहत भी इसमें बहुत सारी बातें आई हैं जिसमें स्पेशल जो आप बात करते हैं इकोनॉमिक की की और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स मतलब इसमें अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे मेक इन इंडिया वो आप सिर्फ बना तो रहे हैं लेकिन आप उसको बाहर की कंट्रीज से या बाहर की ट्रेड से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे आप उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको एस बोला जाता है ना सेज बोला जाता है जिनको उनको या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स तक आप इनको पहुंचाएंगे ताकि इनको बाहर भी आपको एक तरह का मान मार्केट आप कैप्चर कर सके जो कि आपके इंडिया के बाहर हो ठीक है तो आपके पास वो एक तरह से आप फॉरन एक्सचेंज लाने की तैयारी कर रहे हैं बायोफ्यूल्स के तरह के जरिए ठीक है इसके अलावा आप बात कर रहे हैं ग्रांड प्रोमोशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स इन स्पेसिफिक केसेस अब इसमें एक्सपोर्ट की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे अगर बायोफ्यूल्स को पहली बात तो यह है कि आप पहले कंट्री के लिए ही पूरा बना लीजिए ठीक है उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे बायोफ्यूल को स्पेशल केसेस में तो आपके पास क्या आएगा फेडिक्स आएगा फेडेस आएगा और आपको एक तरह से आपका जो एक्सपोर्ट बैलेंस है वो भी आपका बेटर होगा कंट्रीज़ के साथ क्योंकि अगर कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि आप बायोफ्यूल उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे चांसेस जो हैं वो बेटर हो जाएंगे हमारी ट्रेड रिलेशन के लिए और दूसरी बात ओब्वियसली हमारे लिए फीडेक्स आएगा है ना फोरेक्स आएगा सॉरी फोरेक्स आएगा हमारे लिए और फोरक्स के साथ हमारे जो आप कह सकते हैं कि लैटरल संबंध हैं वो भी ठीक होंगे और दूसरी बात हमारा काफ़ी कुछ जो आप कह सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल है वेस्ट मैनेजमेंट है, है वो भी इफेक्टिव होगा क्योंकि हमें मालूम है दैट हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड है बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने की ठीक है एडिशन ऑफ न्यू मेबर्स ऑफ द एन एंड इट हैज़ परमिशन टू चेंज द पॉलिसी अब एडिशन किया गया है एन के न्यू मेबर्स का और उनमें ये भी रखा गया है उनके पास ये आप कह सकते हैं कि एक इतना uh, Uh, क्या बोल सकते हैं उनके पास एक प्रेरोगेटिव है कि वो पॉलिसी में चेंज भी कर सकते हैं अगर वो सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूज बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करें तो इंपॉर्टेंट क्यों है तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं विद नियरली एटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट मे थ्रू इम्पोर्ट द बायोफ्यूज पॉलिसी प्रमोट द यूज ऑफ डायवर्स डोमेस्टिक एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स बींग क्लीन एंड अफोर्डेबल अबंडफोर्डेबल बायोफ्यूज ऑफर नंबर ऑफ बेनिफिट सचैस सबसे बड़ी बात तो हम एक बात कर लेते हैं कि आ, हमारी अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो अभी आपको मालूम है कि इंडिया

सब कुछ अगर अपन एक कुछ में लाके जिस्ट पे लाना चाहें या एक चीज जिसको बोलते हैं कमोडिटी पे फोकस करना चाहें तो वो क्या है वो है ऑयल ठीक है सब कुछ अगर आप देख लें तो हमारी जितनी झंझटें जितनी परेशानियां हैं जितना 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 आपको पता है कि जितना बड़ा खर्चा जितना चंक खर्चा चंक ऑफ हमारा होता है वो एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल अगर आप इसको अगर आप देख लेते हैं हमारी सबसे बड़ी खर्चे की जो वो है वो ये है मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि अगर हम अपना बजट जैसे मंथली बजट बनाते हैं घर में तो सबसे ज्यादा आप लिखते हैं

आप इसका जो नंबर है अगर आप इसको भी थोड़ा कम कर पाते हैं तो भी इट विल बी अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर अस क्योंकि उससे क्या होगा एक तो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज मेक इन इंडिया वाला जो हमारा फैक्टर है वो इंक्रीज होगा हमारा होम प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरी बात हमारे जो इंपोर्ट पे जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं जो हमारा फॉरन एक्सचेंज खत्म हो रहा है जो हमारा जिसको आप बोलते हैं खजाना खाली हो रहा है ऑयल मंगा मंगा के बाहर से वो भी कम होगा और उसकी वजह से हमारे जो बेसिक खाने की चीजें हैं अगर ऑयल की प्राइसिंग कम होगी तो पहली बात तो दोनों तरफा फायदा है ना पहली

थोड़ा सा सबड्यूट तो रखना पड़ता है अपना एटीट्यूड तो वो एक जो आप एक कह सकते हैं कि काइंड ऑफ प्रेशर हमारे ऊपर है वो थोड़ा सा हमारे ऊपर कम हो जाएगा और तीसरी बात अगर हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ जो बाकी सारी चीजें हो रही हैं जो आपका मतलब जो पैसा आ, ड्रेन हो रहा है या आपको मालूम है जो वेस्टेज होता है हमारे यहाँ जो कि आपको मालूम है फीड स्टॉक का वेस्टेज होता है या बहुत सारी चीज़ों का वेस्टेज होता है उससे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं और प्राइजिंग को कंट्रोल में ला सकते हैं जो कि फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ती जा रही हैं

फ्यूल बनाने के वो बहुत अबंडेंस में है ठीक है ठीक पहली बात उसकी आपको कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी दूसरी बात प्रोसेस बहुत फास्टर है ठीक है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती ठीक है अफोर्डेबल है बहुत महंगा नहीं होता बायोफ्यूल आपको मालूम है गोबर गैस प्लांट्स बहुत ही मिनिमल से प्राइस में सेटअप हो जाते हैं ठीक है अगर और दूसरी बात सबसे बड़ी बात कि क्लीन एनर्जी है अब इसके फायदे अगर जो देखते हैं और समझ लेते हैं हम नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी बात वही हो गई कि वो इंडिया का डिपेंडेंस जो है बेसिकली फॉरेन ऑयल रिसोर्सेज पे वो घटा देगा और ये हमारे लिए हर तरह से बहुत फायदे का सौदा होगा मतलब ब्लेंडिंग का पेट्रोलियम में अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो मेरी नहीं है नीति आयोग का कहना है नीति आयोग की रिपोर्ट है ये आधिकारिक रिपोर्ट है जिसका कहना है कि अगर सिर्फ हम 20 परसेंट ब्लेंडिंग पे आ जाते हैं. अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलियम लाइक ईबीपी पर अचीव कर लेते हैं तो हमारा कितना चार बिलियन डॉलर जो है एनुअली हम बचा सकते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा ठीक है दूसरी बात अगर हम दे बात करते हैं इकॉनमी की जैसे मैंने कहा कि इकॉमी क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत बड़ा जो अमाउंट है हमारा जो पैसे का जो हमारे खजाने का वो इसमें जाता है ठीक है तो अगर हम स्टिमुलेट करते हैं क्लीन एनर्जी को अगर हम उनकी कंपनीज़ को बढ़ाते हैं स्टार्टअप्स बढ़ाते हैं सेटअप्स बढ़ाते हैं तो क्या होगा वो इंडिया को एक इस्टेब्लिश करने में, में मदद करेगा किस में बायो इंडस्ट्री में ठीक है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो किस तरह से बढ़ सकती है पहली बात तो अगर आप समझते हैं जॉब क्रिएशन सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्या है जब आप कोई भी उद्योग लगाते हैं या कोई भी सेटअप करते हैं कुछ भी स्टार्टअप भी करते हैं छोटा सा छोटा हो बड़े से बड़ा उद्योग हो ठीक है आपको मैन सोर्सेज की जरूरत पड़ती है मैन ह्यूमन रिसोर्स की आपको जरूरत पड़ती है ह्यूमन कैपिटल की आपको जरूरत पड़ती है ठीक है तो आपको मालूम है कि उससे जॉब क्रिएशन होंगे ठीक है जो कि बायो रिफाइनरी में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी आपको प्लांट ऑपरेशन में आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी विलेज लेवल क्योंकि आपको मालूम है कि जो आप सोर्सेज हैं अगर आप बायोगैस की अगर आप बात करते हैं तो आपको

मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं हर स्तर पे मतलब चाहे वो मैनेजमेंट के की बात कर लें आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर आप बात कर लें तो आप सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात कर लीजिए व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात कर लें तो वो भी आप क्रिएट कर रहे हैं आप बहुत बेसिक लेवल पर जो जो कहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में जब आप बात करें तो उसमें भी आप जो रूरल बैकग्राउंड में लोग हैं जो बहुत ही स्थानीय लोग हैं आप उनको भी जोड़ने की बात कर रहे हैं आप पूरा का पूरा एक चेन एक नेटवर्क ऑफ पीपल को सा

और कॉर्न बहुत अच्छा वो माना जाता है बनाने का ठीक है तो इसका है एथेनॉल का है ना तो उनके बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ेगी ठीक है तो इससे इनकम बढ़ेगी तो आपको एडिशनल इनकम जनरेशन भी होगा इसके साथ साथ जो अभी वो कमा रहे हैं उसके अलावा होगा ठीक है इसके अलावा अगर आप आते हैं वेस्ट टू वेल्थ इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड मूंसिपल सॉलिड वेस्ट अभी जो सॉलिड वेस्ट है एक तो हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है अगर हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा ही सहूलियत नहीं है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोपियन

सुंदर चीजें बनाते हैं तो आप उसको कहते हैं रिसाइकिल्ड गुड्स तो इन वे इसी तरह आपको समझना है कि जो चीजें वेस्ट हैं वहां पे आपका वेस्ट मैनेजमेंट को उससे आप यूज करके आप एनर्जी बना रहे हैं राइट जैसे आप कंपोस्ट बनाते हैं है ना घरों में होता है ना कंपोस्ट बनाते हैं जो ऑर्गेनिक खाने का जो वेस्ट होता है उसको आप खाद बनाते हैं कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह जो चीज़ आपकी वेस्ट है मतलब वो बिल्कुल ही आपके किसी काम के नहीं है लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो आप उसको एनर्जी में रिन्यू कर सकते हैं तो एक तरह से आपका सॉलिड वेस्ट एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और म्यूनसिपल का जो सॉलिड वेस्ट है वो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर अ बेटर कॉज एंड फॉर अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आप उससे बना सकते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज़ विद सेटिंग अप ऑफ सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज अब सेकंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज अगर आपको बनानी है तो आपको क्षेत्र जो चाहिए जो आपको किस जगह पे वो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आप करेंगे रूरल एरियाज में आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे जैसे मैंने कहा कि इंडिया क्योंकि एग्री बेस्ड कंट्री है रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान हमें करने की जरूरत है अभी भी भारत जो है सब कुछ है लेकिन भारत का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है आपने कहीं भी जगह सुना होगा कि अभी जो पहले जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे था तो एक भारत था ठीक है एक भारत था पूरा का पूरा एक ही भारत था अब अगर आप देखते हैं तो भारत और इंडिया के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है राइट इसका क्या 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 मतलब हुआ ये ये क्या, क्या कर रही है ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि बेसिकली एक अमीर अमीर आदमी बहुत होता जा रहा है गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है अर्बनाइजेशन है वो तो अलग लेवल पर चला गया है वो टू द वेस्टर्नाइज कल्चर चला गया है लेकिन रूरल भारत जो है जो ग्रामीण भारत है वो आज भी पिछड़ा हुआ है राइट इसकी बात कर रहे हैं तो आप एक तरह से इस टेक्नोलॉजी के थ्रू दोनों को ब्रिज कर सकते हैं और उनके बीच में भारत और इंडिया जो आप कह रहे हैं इनको वापस आप एक बना सकते हैं है ना दूसरी बात जब आप बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण भारत है जो कि पिछड़ा हुआ भारत है उसको भी आप लाइन में लाने की बात कर रहे हैं वहां पर आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं आप बात कर लेते हैं रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ प्राइस वोटैलिटी एंड फ्यूल कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स अफकोर्स आपको मालूम है कि आपको आज की डेट में हम कितने परेशान हैं कि अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पहले आप पेट्रोल की दरें देखिए कितनी ज्यादा महंगी होती जा रही है मतलब मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तब पेट्रोल वो सम फोर्टी फोर्टी वन रुपीज पर लीटर ठीक है मतलब सौ रुपए में आपका ढाई लीटर से ज्यादा पेट्रोल आ जाता था ठीक है मतलब ढाई लीटर के आसपास आपका पेट्रोल आता था आज की डेट में एक सौ आठ रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है एक सौ रुपए वो भी एक पे पहुंच गया था उससे कम हुआ है 108 ठीक है तो एक सौ रुपए रुपए लीटर आपका पेट्रोल चल रहा है तो आपको मालूम है प्राइज़ वोटैलिटी और आज भी आपको भरोसा नहीं है आप देखिए कि जब ये आ, हवा चल जाती है ना कि एकदम डीज़ल के और पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं घटने वाले हैं तो आप देखिए पेट्रोल पंप्स वगैरह में कितनी ज़्यादा भीड़ लग लगती है क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते राइट तो प्राइस वोटैलिटी बहुत बड़ी दिक्कत है मतलब आपको भले ही आपका कितना भी टाइट बजट क्यों ना हो ये चीज़ जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पैसा चाहिए ही आपको पेट्रोल चाहिए ही राइट तो ये आपके लिए एक प्राइज़ वोटैलिटी एक आम आदमी के लिए कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी है या फ्यूल कॉस्ट जो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट है वो भी बहुत बड़ी सरदर्दी है तो वॉट यू नीड टू डू इज़ इसके थ्रू अगर आप बायो फ्यूल होगी या क्लीन एनर्जी होगी तो आपको वो प्राइजिंग ये वो वोटैलिटी ऑफ प्राइस जो है वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगी आपको फ्यूल कॉस्टिंग जो है वो ऑयल की पेट्रोलियम की या जिसको आप बोलते हैं कि डीजल की उतनी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी आम आदमी को और उसकी जेब को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी ठीक है अब हम इन्वायरमेंट क्या समझ लेते हैं इन्वायरमेंट में तो ऑफ कोर्स हम इतना सारा डिस्कशन कर ही चुके हैं अगर हम लो कार्बन एमिशन की बात करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि लो कार्बन डेंसिटी होती है इसकी इंटेंसिटी होती है इसकी ठीक है तो बायोफ्यूल्स जो है वो ज्यादा क्लीनर होते हैं देन फॉसल फ्यूल और सबसे बड़ी बात है जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है आपको मालूम है जैसे मैंने कहा कि जीएचजी गैसेस की बात होती है ना जीएचजी गैसेस की ग्रीन हाउस गैसेस की ठीक तो है तो ज़्यादा डेंस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं आपको मालूम है कि हीट को ट्रैप करती हैं और जितनी रेडिएट हो रही है उससे ज़्यादा वो क्या करती हैं वो उतना रेडिएट नहीं कर पाती जितना वो ट्रैप कर रही हैं तो उसकी क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है राइट तो अगर हम फॉसल फ्यूज़ की बात करते हैं तो यह हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है की मात्रा जो है वो ज्यादा इमिट हो रही है लेकिन अगर आप बात करते हैं क्लीन एनर्जी की तो उसमें क्या हो रहा है रिड्यूस कार्बन इमिशन हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन में और कंजम्पशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है ठीक है ये आपको जी समझ में आ गया कि आपका ग्रीन हाउस का जो गैस इमिशन है वो लोअर हो रहा है जिससे क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो आप मिटिगेट कर सकते हैं मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं भी कर सकते तो आप मिटिगेट कर सकते हैं और ये चीज़ हमें हमारा जो जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है ठीक है हमारा जो जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है भारत का उस तक पहुंचने में मदद करेगा ठीक है हमारा जो जीरो कार्बन एमिशन का भारत ने लक्ष्य तय किया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत वो पहुंचने में हमें काम करेगा उसके अलावा उसके हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे हमको मतलब जो हेल्थ हमारी डिटोरिएट हो रही है आपको मालूम है अलग अलग तरह की बीमारियां लोगों में हो रही हैं रेस्परेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं एस्थेमेटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं है, ब्रॉनकाइटिस हो रहा है बहुत सारी चीज़ें जो लोगों में हो रही हैं स्किन डिजीज हो रही हैं जे जी एमिशन की वजह से तो दुनिया की चीज़ होती है कि अट्रैक्ट हो रहा है दुनिया भर की जो बातें

क्योंकि आप कोई भी क्रॉप्स मतलब अपन क्या बात करें तो सिंपल सा साइज तो बहुत ही स्टैंडर्ड लाइक सिक्स स्टैंडर्ड साइंस है राइट right? क्या आपको मालूम है कि फोटोसिंथिस होता है जो भी प्लांटेशन होते हैं जो भी पेड़ पौधे होते हैं क्रॉप्स होते हैं जो भी होता है जो भी एक पेड़ पौधे की जो दुनिया होती है वो क्या करती है वो फोटोसिंथिस करती है और अपना खाना बनाने के लिए उसको सी की जरूरत होती है सी ओ टू करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है राइट right? तो आपको मालूम है कार्बन न्यूट्रलिटी आएगी क्योंकि क्रॉप्स जो है वो सी ओ कर एबजॉर्ब कर रहे हैं जो कि ऑफसेट करेगा सीओ टू प्रोड्यूस वेन दी एंथोलिस बंट ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा हम बात करते हैं अगर हम म्यूंसिपल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ये जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो समस्या है जो पूरी दुनिया में जो इंडिया में हर लेवल पे म्युनसिपल कमीशन्स जो हैं वो फेस करते हैं चाहे आप नगर पालिका की बात कर लीजिए नगर निगम की बात कर लीजिए किसी भी कॉरपोरेशन की बात कर लीजिए म्यूंसिपल हर जगह आप इंडिया में देखेंगे कि उनके पास वेस्ट डिस्पोजल के लिए बहुत ज़्यादा आयाम नहीं है या बहुत ज़्यादा वेज आउट नहीं है ठीक है तो वेस्ट मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो एक तरह से आप उसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द फ्यूल और इससे आप दो चीजें कर रहे हैं एक तो आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं जो आपको डंप करना था वो आप कंट्रोल कर पा रहे हैं दूसरा आप उससे एनर्जी बना रहे हैं तो इट्स अ काइंड तो ऑफ अ विन-विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन है अब इश्यूज क्या हैं सबसे बड़ी बात अगर हम ये बात कर लें कि भाई इतना सही है सब कुछ है ना इतना बढ़िया काम कर रहा है इतना सही है हर चीज़ बढ़िया है एनर्जी पे के सिक्योरिटी भी आ जाएगी और नौकरियां भी आ जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन और रूरल इंडिया भी मिल जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत है कि अभी तक ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या इसको टॉप प्रायोरिटी में भारत में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो आप पहले सबसे बड़ी बात समझते हैं जो इशू हो रहा है इंप्लीमेंटेशन में वो क्या हो रहा है प्रोडक्शन साइड का सबसे बड़ी यह है है अगर हम फूड एंड वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एथेनॉल डिमांड जो है ना कितना पानी चाहिए होगा कितनी शुगर चाहिए होगी? पानी नहीं। इसको कितनी शुगर चाहिए होगी इसको चाहिए होगी सिक्स मिलियन मेट्रिक टन एम ऑफ शुगर ठीक है बनाने के लिए और इसमें सिक्सटीन मिलियन एम ऑफ ग्रेन चाहिए होंगे जो कि अगर आप इसको वर्क करना चाहते हैं जो कि हमने ई एस वाई ईयर आपको बोला ना कि ई एस वाई ईयर जो है पहले से आगे की डेट उसकी रखी हुई थी उसको पहले कर लिया गया था अगर आप करते हैं ई एस वाई ईयर जो कि हम 2025 तक माना है तो तब तक हमें ये आंकड़े अचीव करने पड़ेंगे मतलब कितना आपको सिक्स मिलियन मेट्रिक टन तो आपको शुगर चाहिए होगी उसके अलावा सिक्सटीन पॉइंट फाइव मिलियन मेट्रिक टन आपको ग्रेन चाहिए होंगे अगर आप इतना डिमांड जो है इसकी पूरी करना चाहते हैं एथनॉल की

टू क्लाइमेटिक एज वेल एज इकनॉमिक ईवेंट्स अब भारत में आपको एक और चीज़ मालूम है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बारिश पे या वर्षा पे निर्भर करता है ठीक है और जिस तरह की अभी क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही हैं जिस तरह की चीज़ें चेंज होती जा रही हैं कहीं पर एकदम अकाल पड़ जा रहा है कहीं पर बाढ़ आ जा रही आपको है आपको मालूम है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है स्टेबल नहीं हैं अगर हम बात कर लें पिछले दस साल या पंद्रह साल का आंकड़ा देखें तो आपको पता होगा कि हर साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जो है ये ये अगर आप वेदर वेदर डिपार्टमेंट वालों की अगर बात सुने आप तो आपको लगता है कि हर साल पंद्रह बीस साल पच्चीस साल सौ साल का आंकड़ा जो है वो टूट जाता है ना चाहे वो गर्मी का हो चाहे बरसात का हो चाहे सूखे का हो चाहे किसी ना किसी चीज का लेकिन हम उन उनपे वो तो सिर्फ आकलन कर रहे हैं ना वो कोई अपने मन से तो बना के दे नहीं रहे हैं द पॉइंट इज कि ये चीजें बहुत ग्लैरिंग इसलिए हैं क्योंकि आपको ये पता चलता है कि इस तरह की संभावनाएं हैं इस तरह की चीजें हो रही हैं मतलब इस तरह की घटनाएं जो हैं क्लाइमेट के मामले में जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है तो वो चीजों पर इंपैक्ट डाल रहा है क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है इतनी तेजी से और पूरी में इसी के ऊपर बात हो रही है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत बहुत डायनेमिक सेक्टर है इन द सेंस कि नेचुरल जो क्लामिटीज़ हैं नेचुरल जो जो एनवायरनमेंट है पर्यावरण है उस पर बहुत ज़्यादा जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रूल होता है या उससे बहुत ज़्यादा जो है डिक्टेट करती हैं क्लाइमेटिक कंडीशन उसको ठीक है तो अगर आप इसमें अगर पूरी तरह अपन बायोफ्यूल पर निर्भर हो जाते हैं या अगर हमारी एनर्जी सेक्टर को हम बायोफ्यूल पर पूरी तरह से आधारित कर देते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आएगी, कि हमें उतना ही प्रोडक्शन हमें पिछले साल भी हुआ था या उतना ही प्रोडक्शन स्टेबल प्रोडक्शन हमें नेक्स्ट ईयर भी होगा इसमें डायनमिजम बहुत ज्यादा है तो यह बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि एग्रीकल्चर की वर्लबिलिटी और डायनमिज्म बड़ा रोल प्ले करेगा तीसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं हायर प्राइजेस ऑफ इथनॉल ठीक है हायर प्राइजेस इथिनॉल में अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो दिक्कत यह है कि क्योंकि आपके पास शुगर केन का प्रोडक्शन जो कि शुगर केन सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है एथनॉल एक्सट्रैक्शन का तो शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फिक्स्ड प्राइसिंग नहीं है रॉ मटेरियल की शुगर केन की या फूड ग्रेस की ठीक है इसमें क्या है आपके पास एक ऑटोमेटेड जिसको हमने कहा या आपको मालूम है कि एडजस्टेड uh, अगर हम बात करते हैं तो कोई मेकनिज़म नहीं है प्राइजिंग मेकेानिज़म हमारे पास नहीं है ठीक है तो इसमें क्या चलता है इसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक प्राइजिंग अप्लाई होती हैं मतलब अगर जो इसमें और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें धांधली बहुत ज़्यादा चलती है अपने यहाँ ठीक है आपको कॉस्ट जो है वो कंट्रोल करने का आपके पास कोई मेकैनिज़म नहीं है या कॉस्ट फिक्स करने का आपके पास कोई मेकैनिज़म नहीं है ठीक है उसमें जैसे कि मैंने कहा कि इसमें एक और प्रॉब्लम यह होती है कि एक तो जो शुगर केन या जो चीज़ें हमें चाहिए फूड ग्रेन्स वगैरह जो उगा रहे हैं तो फार्मर्स एक्चुअली अपने प्राइजिंग बहुत डायनेमिक हैं हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है दूसरा अगर वो बेचने कहीं जाते हैं मंडी वगैरह में उसके बाद आप इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कहते हैं वर्षा जो थी बहुत अच्छी हुई तो उसका उत्पादन हुआ फिर फला क्षेत्र में जो है वर्षा कम हुई या बाकी सारी चीज़ें जो थी पानी की तो वहाँ पर उत्पादन कम हुआ तो हमारी कॉस्टिंग उसकी प्राइसिंग हाई हो गई तो हमारे पास एक फिक्स या यूनिटरी जो कहते हैं आप प्राइस कंट्रोल मैकेजम नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी कारण हो सकता है जिसके कारण इथेनॉल का जो प्राइजेस है वो आपको हायर साइड पर जाता है और उसको आपको डायनेमिज्म को आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई ठोस कदम आप इस पर नहीं उठा पा रहे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात इसके लिए हमें क्या जरूरत है हमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐसी ओपन करनी चाहिए जैसे हमने बात कही कि हमने बात की इंटरेस्ट सबवेंशन की या हमने बात की सब्सिडीज की ठीक है तो उसके अलावा भी इसमें सबसे बड़ी बात यह ना कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कोई को जो फार्मिंग अगर आप बोलते हैं फार्मिंग प्रोड्यूस की भी अगर बात करते हैं आप तो कोई भी व्यक्ति जिसको ये समझ में आ रहा है कि भाई इस चीज़ में हमको फ़ायदा ज़्यादा है या इस चीज़ का डिमांड मार्केट में ज़्यादा है ना तो आप क्या करते हैं जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उसका सप्लाई

आप बात करते हैं तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या अगर हम स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं तो आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स जो है ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए तरफ काफ़ी लोग मुड़े हैं लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया के तौर पे देखते हैं अगर आप इतनी बड़ी कंट्री के तौर पे देखते हैं तो भी अभी बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है मतलब लोग जो है वो बाहर से आके एग्रीकल्चर में हाथ नहीं डालना चाहते है ना जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर चल रहा है वही चल रहा है हमारे यहाँ इसका इसकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आयाम इसके अभी तक उतने नहीं खुले हैं या लोगों में अवेयरनेस नहीं है या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ

खेती किसानी का काम जो है वो बहुत ही मतलब टेढ़ा काम है वो अपने बस का काम नहीं है दूसरा या तीसरा एक माइंड ये होता है कि खेती किसानी का काम जो है भैया वो बारिश पानी और मौसम और हवा बिजली पानी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है तो अगर वो नहीं हुआ तो जबरन जो पैसा है वो डूब जाएगा तो लोगों को ना इसमें अवेयरनेस कैंपेन की बहुत जरूरत है अब इसमें जब हम बात कर लेते हैं जो हमारी और लिमिटेशन है वो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरेज की और अगर हम बात कर लेते हैं किसकी यूसेज साइड की अब सबसे बड़ी बात अगेन फिर वही आ जाती है कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी है जैसे मैंने कहा योर नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे भी आपको ये नहीं मालूम कि कितना प्रोडक्शन होगा ही आपको ये नहीं मालूम कि अगर जिस चीज़ पे आप इतना निर्भर कर रहे हैं इथिनॉल पे वो पूरी दुनिया में या इंडिया में कम से कम पूरी दुनिया मतलब हम अपने भारत की बात कर रहे हैं हमारी तो पूरी दुनिया हमारा देश ही हो जाता है ना तो पूरी इंडिया में उसका कितना प्रोडक्शन है या कहाँ पर कितना इथेनॉल हो रहा है कंट्री में हमारे पास कोई ये एक

के जी में ऐसा नहीं कि गोल्ड खत्म हो गया आज भी वहाँ पे सोना है बहुत सारा सोना आज भी मिट्टी में है लेकिन लोग उसको एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे क्यों उसकी uh, का काम जो है बंद कर दिया गया एक्सट्रैक्शन का इसलिए क्योंकि फाइनली जब उसकी uh, जो जो मैथमेटिक्स किए गए ना अकाउंट्स किए गए आंकड़े जब देखे गए तो पता चला कि जितना पैसा आप उस सोने को निकालने में खर्च कर रहे है, वाले हैं या जितने पैसे में आप लगा के लागत लगेगी उस सोने को बाहर निकालने में उतनी कॉस्ट तो सोने की भी नहीं है तो इट वॉज नॉट अ वेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉज नॉट अ वेरी डील ठीक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं था मतलब वो पत्थर तोड़ने में पैसा लगाने वाली या पत्थर तोड़ने में मेहनत करने वाली बात थी तो बिल्कुल वही वाली चीज हो गई कि अगर आप इसकी कॉस्ट को अगर रिड्यूस कर पा रहे हैं और आप इसमें कार्बन एमिशन रिड्यूस कर पा रहे हैं तो, तो यह मतलब है कि आप इतनी झंझट लें कि एक जगह से आप एथेनॉल वो करें दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट करें लेकिन अगर आपकी कॉस्टिंग वहीं के वहीं है और वो वाइबल नहीं है फीजिबल नहीं है तो इट डजेंट मेक एनी सेंस राइट वो वाली बात हो गई अब एथनॉल ब्लेंडिंग हैज नॉट बिन टेकन आप इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री और फीड स्टॉक इंडस्ट्री मतलब हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो गया या जो पहाड़ी क्षेत्र हो गए पहाड़ी इलाके हो गए हमारे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी और वहाँ पे अपने आप में लोकल स्थानीय तौर पे अगर आप बात करते हैं तो फीड स्टॉक इंडस्ट्री की कमी के कारण वहाँ पे ये काम नहीं हो पाता ठीक है तो जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको ये साइड भी देखना पड़ेगा इसमें और बातें हम क्या समझ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है इंटर स्टेट मूवमेंट पे है एथनॉल के ड्यू टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडेड प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन ऑल स्टेट्स अब इसमें क्या है चलिए आपन ये भी कर लें कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन भी कर लें ठीक है वो भी आपने कर लिया वो भी आपने बेयर कर लिया <coughs> लेकिन दूसरे चक्कर क्या है कि रिस्ट्रिक्शन भी है इंटर स्टेट पर मतलब आपको ये भी मालूम है कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है एथनॉल का उसमें भी अगर कई स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शन है और वो क्यों है क्योंकि नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडेड प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रीज क्योंकि क्या हुआ है इसमें बेसिकली अमेंडमेंट जो है प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रीज में किया ही नहीं गया है इस चीज़ को लेके मतलब सारे स्टेट्स ने नहीं किया है नाइनटीन फिफ्टी वन में जो बना हुआ है उसी पर चल रहा है तो उसमें एक आपको लेवल ऑफ अमेंडमेंट की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो तो ठीक है इंक्रीज इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट एज इट रिक्क्वायर्स एडिशनल स्टोरेज टैंक इट्स एन ऑल कंप्लेन डिस्पेंसिंग यूनिट कैलिब्रेशन ऑफ नॉजल्स एट्सेट्रा मतलब इससे आपको क्या होगा पूरा का पूरा एक मैकेजम एक पूरी पूरी इंडस्ट्री आपको स्थापित करनी पड़ेगी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये भी इनकर करना पड़ेगा कि भाई इसके इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट भी अलग होंगे ठीक है कोई चीज़ अगर आपने ले ली बना ली वो सब कुछ ठीक है लेकिन उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है आपको वो भी आपकी कॉस्टिंग में जोड़ना पड़ेगा राइट मतलब जो प्रोडक्शन में हो रहा है जो प्रोसेसिंग में हो रहा है वो तो ठीक है पर बाकी जो आप कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ जाएंगे वो भी आपके इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट में जुड़ेंगे मतलब जिसमें आपको मालूम है कि आपको स्टोरेज टैंक चाहिए होंगे रेगुलर ठीक है एडिशनल आपको स्टोरेज टैंक चाहिए फिर आपको एथनॉल कंप्लेन डिस्पेंसिंग यूनिट चाहिए होंगे फिर कैलिब्रेशन यूनिट चाहिए होंगे कैलिब्रेशन कर सकें जो नॉजल्स वगैरह की तो आपकी एडिशनल कॉस्टिंग की के लिए आपके पास क्या तैयारी है आपके पास या कितने आपके पास बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर अपन बात कर लेते हैं इंक्रीज रेट्रोफिटिंग कॉस्ट जो कि अगर आप बात करते हैं एज यूज ऑफ ई ट्वेंटी जिसपे ट्वेंटी परसेंट एथनॉल बेस्ड पेट्रोल है वो रिक्वायर क्या करेगा मॉडिफिकेशन ऑफ वहीकल इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ई ट्वेंटी कम्पेटेबल वहीकल्स अब आपको क्या लग रहा है कि आपने नॉर्मल जो वहीकल अपने घर चलते हैं आप पेट्रोल की गाड़ी में कभी डीजल डीजल की गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं क्या नहीं भरवा सकते ना बड़ा आप ध्यान रखते हैं उस चीज़ का कि भैया डीजल इंजन है कि पेट्रोल इंजन है तो आपको क्या लगता है कि पेट्रोलियम अगर आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी तो आपको क्या लगता है कि आपको उसी तरह से जो नॉर्मल अपनी गाड़ियाँ हैं नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें अपन कर पाएंगे ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे हमको उतना कम्पेटेबल चाहिए होगा हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जो पूरा पूरा प्रोडक्शन है उसमें हमको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आपको वहीकल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा आपको बेसिकली इंक्रीज करना पड़ेगा आपको ई जो 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 जिसको आप बोलते हैं कंपेटेबल बनाना पड़ेगा कि आप ई ट्वेंटी से कंपेटेबल कर पाए वहीकल को तो इससे आपकी क्या होगी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे एक टाइम पे अभी तो ऑलमोस्ट पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग तकरीबन तकरीबन सेम हो गई है पहले ऑलमोस्ट डबल का फर्क हुआ करता था एक ठीक है तो पेट्रोलियम गाड़ी जो थी वो सस्ती थी डीजल गाड़ियां हमेशा महंगी आया करती थी इस वजह से ठीक है तो अब इस तरह की अगर आप चीज करेंगे तो ई जो आएंगी वो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा एक्सपेंसिव आएंगी तो ये जो गैप है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो होगा इसको आप कितना कर सकते हैं वो कितना अवेलेबल है है, कितना फीजिबल है आपको वो देखना पड़ेगा ठीक है तो ये सारे रीजंस हो गए अब अदर बायो फ्यूल इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं अपन ने चैलेंजेस पढ़ लिए कौन-कौन से अदर बायो फ्यूल इनिशिएटिव्स इंडिया में अभी चल रहे हैं अभी सबसे बड़ी बात हो रही है एक हो रही है प्रधानमंत्री जी की जीवन ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जीवन ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसमें आप जैव ईंधन की बात कर रहे हैं और वातावरण अनुकूल फसल अव, विशेष निवारण की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? मतलब इसमें आप क्या बात कर रहे हैं आपको नाम समझ में आ गया होगा कि जैव ईंधन मतलब बायो एनर्जी बायो लाइफ की आप बात कर रहे हैं ठीक है बायो फ्यूल की आप बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब योजना क्या प्रोवाइड करती है बेसिकली ये योजना प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट किसको इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट को जो कि क्या यूज कर रहे हैं जो कि आपका बेसिकली लिग्नोसेल्यूलोर

इसके बाद जब मैं बात करती हूं तो आप एक बात कर सकते हैं कि रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल अगर आप बात करते हैं रूको जिसको हम बोलते हैं वो अगर आप बात करते हैं तो एफ से एफ एस एस से आई तो आपने हर जगह सुना होगा खाने की कई चीजें जो होती हैं मतलब अगर आप चिप्स का पैकेट ले रहे हैं या आप कैंडी भी अगर खरीद रहे हैं तो उसके पीछे भी आपको एफ एस ए एफ डबल एस ए आई का मार्क दिखता होगा जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक में आई एस आई मार्क दिखता है ना वैसे ग्रेडेशन दिखता होगा ठीक है तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो वो क्या बात करने वाला है डाइवर्ट बात करने वाला है यूज कुकिंग ऑयल फ्रॉम द फूड वैल्यू चेन टू बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स ठीक है इसकी बात हो रही है इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था गोवर्धन स्कीम गोवर्धन स्कीम किस पे काम करती है वो सपोर्ट करेगी विलेजेस को रूरल क्षेत्रों को और मैनेज करेगी काय का ऑर्गेनिक वेस्ट और कन्वर्ट करेगी काय को बायोगैस और फर्टिलाइजर्स में ठीक है तो वो आपको किस पे किस लेवल पे काम कर रही है बिल्कुल हार्ड कोर रूरल हार्ड कोर विलेज सेटअप पे ये काम कर रही है ठीक है दूसरी अगर हम बात करते हैं थ्री ई हंड्रेड प्रोजेक्ट की ई हंड्रेड प्रोजेक्ट काय पे काम करने वाला है देखो ई हंड्रेड प्रोजेक्ट काम करने वाला है जो कि नेटवर्क बनाएगा काहे के नेटवर्क बना रहा है फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथनलॉ अक्रॉस द नेशन मतलब आपको मालूम है जो कि अभी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे चैलेंज की बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता बहुत सारी जगहों पे नहीं होता और स्टेट लिमिटेशन हैं स्टेट पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन है तो ये आप इसका जो मूवमेंट है आप इसको थोड़ा सा स्विफ्ट करेंगे और अक्रॉस नेशन आप बायो फ्यूल का या इथनॉल का जो 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 जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे करेंगे उसका नेटवर्क चेंज जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की या उसको

पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन जो प्रोजेक्ट है इथेनॉल बेस्ड प्रोजेक्ट वो कहां पर आया है भारत में तो वो बिहार में आया है ठीक है तो इस तरह का इसको अभी देखा जा रहा है और अगर ये ठीक होता है अगर ये सही होता है अगर इसका जो रिपोर्ट है जो सब कुछ है इसका जो एनुअल आपको जब इसका आकलन किया जाएगा अगर वो सही आता है तो फिर इसको और भी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा ठीक है ये समझ में आ गया आगे का रास्ता क्या हो सकता है क्या किया जा सकता है क्या इसके और आगे फर्दर आयाम हो सकते हैं मतलब हमने चैलेंजेस पढ़ लिए क्या होता है हमने ये पढ़ लिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमने पढ़ ली आगे इसमें अपन क्या काम कर सकते हैं सबसे बड़ी बात तो ये देखो इनोवेशन इंटीग्रेशन एंड कोलाब्रेशन इज द की टू अचीव द एम्स ऑफ नेशनल पॉलिसी अब कैसे करना है आपको सबसे बड़ी बात आपको करनी है इनोवेशन आपको लाना है इंटीग्रेशन और कोलाब्रेशन ये तीन जो है ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना जादू के शब्द हैं बिल्कुल मैजिक वर्ड्स हैं अगर आप इनको समझ गए तो आप इसको ट कर लेंगे आप इसको प्रोसेसिंग में ले आएंगे ठीक है अब क्या करना है आपको एक सबसे बड़ी बात जो हमने डिस्कशन किया चैलेंज जो था हमारा हमें यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी लानी है एथेनॉल की ठीक है या एथेनॉल ब्लेंड्स की कहाँ अक्रॉस इंडिया इसमें आप कैसे कर सकते हैं आप इंसेंटिवाइजिंग कर सकते हैं डेवलपमेंट एडवांस्ड जनरेशन बायोफ्यूल सेकेंड एंड अबव अगर आप बायोफ्यूल जो एलगल बेस्ड है या फोर्थ जनरेशन है अगर वहां तक आप जाते हैं से ऊपर कुछ भी ठीक है तो आप इसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं यूनिफॉर्मिटी लाने की उम्मीद आप कर सकते हैं ठीक है अब इससे क्या होगा अगर आपने ये ले आए अगर आप यूनिफॉर्मिटी ले आए अवेलेबिलिटी में की और आप यूनिफॉर्मिटी ले आए जो कॉस्टिंग है एथनॉल की उसमें और आप अगर एक सस्टेनेबिलिटी ले आए कि भाई इतना जो है वो होगा मतलब इसका जो डायनमिज्म है अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया जो वर्ल्डी है अगर आपने उसको कंट्रोल कर ली तो उससे क्या होगा उसका सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपकी फूड सिक्योरिटी जो होगी वो ओवरकमिंग द ट्रेड ऑफ फूड आइटम्स, आपकी फूड सिक्योरिटी जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो आ जाएगी एनर्जी सिक्योरिटी तो आ ही रही है ठीक है इसके बाद ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब एथनॉल स्टोरेज को हैंडलिंग को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है अगर आप उस सेक्टर की अगर आप बात करते हैं उसको आपको ब्लेंडिंग और जो भी आपकी डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है कंट्रोल करने की इन द सेंस उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको इस चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको किस तरह से कंट्रोल करना है इसको आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा ठीक है इसको अगर आप डायनिजम पे छोड़ देंगे ना अगर आप मार्केट ट पे छोड़ देंगे कि कोई आदमी कुछ कर रहा है कोई आदमी कुछ कर रहा है तो आप इसमें आपको, करना है और दूसरा को आपको अपने कंट्रोल में रखना है सरकार को मतलब यहाँ पे अपने कंट्रोल से मतलब है सरकार का ठीक है सरकार को करना है मतलब आपको हर चीज जैसे आज के टाइम पे प्राइवेटाइज होती जा रही है तो प्राइवेटाइज होना ठीक है आपको मालूम है कि आप किसी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई जो काम है वो हो जाए रेगुलर वे में हो साइकिल जो है, होती है उसको नहीं, कर पाएंगे। फिर अगर आपने नहीं कर पाए आप को अगर आप काउंट नहीं कर पाए या उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो जितना अपन काम कर रहे हैं सब कोई मतलब ही नहीं है ठप पड़ जाएगा वो ठीक है अगर आपको फोकस करना है सस्टेनेबिलिटी पे ऑफ सप्लाईज बाईविंग प्लान बायो

अगर हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं ठीक है जो कि सप्लाईज की मतलब क्या मतलब है हमें कि हमें एक तरह की स्टेबिलिटी अगर हमें पता है और सस्टेनेबिलिटी हमें पता है कि भाई इतना हमें जो है वो रॉप मटेरियल मिल जाएगा या इतना जो है वो उससे बायोफ्यूल जो है एथेनॉल जो है प्रोडक्शन हो जाएगा अगर हमारे पास वो स्टाटिस्टिक्स आते हैं जो कि क्लियर स्टाटिस्टिक्स हैं जिसपे रिलायबल स्टैटिस्टिक्स हैं मतलब उस पर आप रिलाई कर सकते हो तो उससे आपका जो सस्टेनेबिलिटी है सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर अपने आप आ जाएगा ठीक है वो चीज़ आना बहुत

तक हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे कि जो जो हर स्टेट में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या तो आपको पूरे पूरे स्टेट्स में कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटाने पड़ेंगे ठीक है या फिर आप उनको किसी तरह से आप उनको कह सकते हैं कि आपको स्टेट वाइज आपको उनको रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि एक तरह से जो वो आप कह सकते हैं कि इंटर स्टेट आना जाना जो है आवक जावक जो है आ, जो एथनॉल की हो रही है वो कंपेरेटिवली आपको सही पड़े और हर स्टेट में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ताकि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो का आ रहे है, उसमें जो बाकी जो ऐसे स्टेट हैं जो कि पहाड़ी इलाकों पे हैं या पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो इससे वंचित ना रह जाएं ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ओवरकम करना पड़ेगा स्टेट मूवमेंट अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाते हैं ठीक है इंटर स्टेट मूवमेंट इशूज करने पड़ेंगे फ्रेट के जो चार्जेस हैं या फ्रेट डायनामिजम जो है इसमें से एक इशू वो भी है आपको वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा और ऊपर से जो उसमें टैक्सेशन या जो जो भी आपको मॉडल ऑफ टैक्सेशन है वो आपको यूनिटरी रखना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको रेगुलेटरी क्लियरेंसेज वो देखिए यहाँ पे आई गया कि आपको एक्सपीडिएट करने पड़ेंगे रेगुलेटरी क्लियरेंसेज अगर आप नोए प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं मतलब ये तो टैक्सेस की बात कर रहे थे जो हम स्टेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं उसमें बात करने थे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो मतलब सब कुछ ठीक है <coughs> आप यूनिटरी रखिए मत रखिए आपको जैसे रखने हैं आप वैसे रखिए लेकिन द पॉइंट इज कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए द डे द एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट ही होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा आपको रेगुलेटरी क्लियरेंसेज जो है वो प्रोडक्शन यूनिट अगर नए इस्टेब्लिश करने हैं आपको तो उनके लिए जो प्रोसेस है वो आपको स्विफ्ट करना पड़ेगा वो आपको फास्टन करना पड़ेगा और उसके जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज हैं वो आपको टाइमली करने पड़ेंगे आपको उनको जल्दी मतलब पास करना पड़ेगा मतलब यह ना हो कि अपने यहां जैसे आता है ना कि कोई प्रोजेक्ट आया है लेकिन वो सालों ले रहा है पता चला कि वो इस डिपार्टमेंट में अटका हुआ है उस डिपार्टमेंट में अटका हुआ है इस इस स्टेज पे फंसा हुआ है दूसरी स्टेज पे फंसा हुआ है क्लियरेंस ही नहीं मिल पा रही सब कुछ हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं पता चला क्लियरेंस लिए अटक गया क्लियरेंस हो गई किसी चीज में पता चला दूसरे डिपार्टमेंट में गया वहां अटक गया तो आपको क्या करना है आपको ये करना पड़ेगा सुनिश्चित के सारे जो काम हैं वो ऑर्डर में हो सारी स्टेजेस जो हैं वो रेगुलेटरी क्लियरेंसिस के तहत जल्दी निकल जाएं ताकि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो टाइमली एस्टेब्लिश हो पाए ठीक है बाकी बात क्या है तीसरा पॉइंट ये है आपका दूसरा पॉइंट ये था आपका तीसरा पॉइंट आपने ये कर लिया अपना ठीक है और चौथा पॉइंट क्या है आपको कैश कंस्ट्रेंट को शुगर मिल स्कीम मतलब आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा शुगर मिल्स जो होती हैं वो आपको मालूम है कितनी जगहों की ऐसी शुगर मिल्स है जो बिकॉज़ ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ रनिंग और उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस वजह से शटडाउन होती जा रही है राइट तो आपको कहीं ना कहीं जो कैश कॉन्स्ट्रेंट है उसको आपको नजर में रखना पड़ेगा <coughs> और सरप्लस इनकम की अगर हम बात करते हैं बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए तो आपको उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा या आपको कुछ ना कुछ आपको सबवेंशन करने पड़ेंगे तो आपको बेसिकली सपोर्ट उनको देना पड़ेगा या आपको एक तरह की रकम या जो भी आप उसको कर सकते हैं जिस भी तरह से आप उसको ला सकते हैं कि शुगर प्रोडक्शन जो है वो बढ़े या शुगर मिल्स बढ़े जिसकी वजह से आप बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा सकें आपको उसको सुनिश्चित करना है अगर तो आपको उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इसके लिए आपको लाना पड़ेगा. अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी लोग जो है जिनका ऑलरेडी चलता हुआ काम है वो उसको धीरे धीरे जो है वो बंद करने लगेंगे और उसके वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अब इसमें एक और चीज़ क्या है आपको टाइम लाइन रोल आउट करना पड़ेगा किसका आपको ई ट्वेंटी कंप्लाइंट की अगर हम बात कर रहे हैं वहीकल की तो उसको आपको टाइमली रोल आउट करना पड़ेगा ठीक है अब इसमें हम ये बात कर लें कि अगर इसमें हमने जैसे हमको आपको मालूम है सी एन जी यूज़ होती है, है ना दिल्ली वैली में अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम है सी एन जी बसेज वगैरह रन होती हैं इसको आप क्लीन एनर्जी के तौर पर देखते हैं इनफैक्ट यहाँ पर जो जो स्टेशनस हैं इनके फ्यूलिंग पम्प्स हैं फ्यूलिंग स्टेशन हैं वो भी आपको बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखेंगे तो आपको मालूम है नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है ये ठीक है लेकिन इसको अभी आर एन जी से पूरी तरह से चेंज करने की बात हो रही है मतलब आर एन जी जो है आर एन जी क्या है आर एन जी इसका एक और एडवांस्ड वर्जन है जो कि क्या है रिन्यूएबल नेचुरल गैस ठीक है रिन्यूएबल नेचुरल गैस है जो कि इसको पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट इंटरचेंजेबल है और अभी बात इससे हो रही है कि इसको आर एन जी से आप सब्सटैशियट कर दीजिए तो इट विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन दिस पार्ट ठीक है इसके अलावा जो भी नए व्हीकल्स अगर बन रहे हैं अगर आप वो टेक्नोलॉजी ले आते हैं अगर आप वो टेक्नोलॉजी आप टाइमली रोल आउट कर लेते हैं जैसे 2017 तक का हमारा मुद्दा था 2017 में हम नहीं कर पाए 2020 हज़ार में जाके बाईस में जाके हम नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट पर पहुँचे एथेनॉल ब्लेंडिंग में ठीक है तो बीस परसेंट पर पहुँचने में तो हमें और टाइम लगेगा जो तो हम बेसिकली बहुत लैक कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव से तो अगर हम ई ट्वेंटी कम्पलाइंट व्हीकल्स को लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें टैक्स इंसेंटिव देने पड़ेंगे टू ऑब्ज़र्व द आर एन डी कॉस्ट और ई ट्वेंटी कम्पैटबल डिज़ाइन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको जो पैसा है वो हमको बजट जो है वो सैंक्शन करना पड़ेगा हमको टैक्स इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य होगा ई ट्वेंटी कंपेटबल डिज़ाइंस के लिए उसकी जो कॉस्ट है उसमें आपको टैक्सेशन का जो ब्रैकेट है वो रिलैक्स करना पड़ेगा और कॉस्टिंग भी देनी पड़ेगी मतलब मुद्रा देनी पड़ेगी पैसे निकालने पड़ेंगे जेब से है ना अगर ये चीज़ करना चाहते हो इतनी सारी चीज़ें करना चाहते हो तो उसमें पैसा तो खर्च हो ठीक है तो आगे आए समझ में पूरा बायोफ्यूल पढ़ लिया है मतलब तो पूरा सब कुछ जितना भी था बायोफ्यूल में जितना आगे पीछे हम समझ सकते थे क्यों करना है किस लिए करना है क्यों इंपॉर्टेंट है क्या है क्या चैलेंजेस है, हैं अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो हम उसको ला क्यों नहीं रहे ये सब कुछ समझ में आ गया कि फाइनली घूम फिर के कहानी कहा जा रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग पे और एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है या है भी तो हमारे पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है उसकी कि भैया इतना होगा हर साल इतना ही होगा तो तो हम कोई बहुत बड़ी सारी बात करें ना पता चला अपना ऑयल प्रोडक्शन भी रोक दिया अपना ऑयल इम्पोर्ट भी रोक दिया अपना गैस कि हम यथनॉल ब्लेंडिंग कर पाएंगे और हमारा जो है कम हो जाएगा तो फिर अगर ये नहीं हो पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी राइट तो इसकी वजह से हमारे जो चैलेंजेस हैं और जो चीजें हैं आपको अभी 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 हम आर के फेस पे हैं अभी हम जनरेशन वन पे हैं फिर जनरेशन टू थ्री फोर पर जब एक स्टेबिलिटी आ जाएगी तब आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है पूरी तरह संपन्न हो जाएगा बायोगैस में या बायो फ्यूल्स में लेकिन वो नीड ऑफ एन आर जरूर है इसी वजह से वो पॉलिसी लॉन्च की गई है ठीक है ये क्लियर हो गया है पूरा सब कुछ क्लियर हो गया बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया है लेकिन अगर ये डिटेल में पढ़ाने का फायदा ये है कि बायो फ्यूल्स रिलेटेड अगर कोई भी आपसे बात पूछेगा पहले क्या होता था बायोफ्यूल अगर किसी ने पूछा तो सबसे पहले दिमाग में आता था क्या आपको पता होता था गोबर गैस या इस टाइप की चीज़ें या बायोडीजल आ जाता था ज़्यादा ज़्यादा अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया कि उसके कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट होता है और कौन कौन सी अभी स्कीम्स जो हैं सरकार की वो चल रही है हमने वो भी डिस्कस की वो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना बाकी अगर कुछ नहीं भी पूरा पढ़ा है बीच में इधर उधर चले गए थे घूमने फिरने चले गए थे चैनल चेंज कर दिया था कुछ और देखने लग गए थे तो भी वो पार्ट आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कैसे आएंगे ठीक है वो आ गया एक्सेस कैसे करोगे वो मालूम है ना मैगनेट ब्रीन्स की वेबसाइट पर जाना है मैगनेट हमारे जितने भी हमारे चैनल्स हैं हमारे मतलब चैनल तो हमारा एक ही है जितने भी कोर्सेज हमारे चैनल पे चलते हैं वो -12 के 12th से लेके आपको मालूम है आईआईटी जेईई नीट और यूपीएससी से लेके आपको मालूम है ओलंपियाड वगैरह सब कुछ चलता है यहाँ पे आए ओलंपियाड पे नीच या नीचे आ जाना ठीक है बिल्कुल कोने में तो यहां पे आपको मिलेगा अपना आईजीक्यू उस पे क्लिक किया वॉच नाउ पे इस तरह का पेज ओपन हो गया फ़ाइन अब इसमें क्या करना है ऊपर स्क्रॉल करते जाना जो भी पढ़ना है जैसे ही शॉटी नोट्स का है तो शॉर्टी नोट्स का नीचे मिल जाएगा जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे खोलोगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है ठीक है जितना भी पढ़ना है जो भी पढ़ना है जैसे इधर उधर जब चले गए हो अगर बीच में कहीं तो उसको यहाँ से स्क्रोल कर लेना उसको पढ़ लेना मोर वीडियोज़ का ऑप्शन भी है नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी है वो तो आपको मालूम ही है YouTube पे भी बिल्कुल सेम है मतलब जैसे आपको मैग्नेट ब्रेन की आप वेबसाइट पे जाके करेंगे बिल्कुल अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो भी बिल्कुल वही होगा ठीक है हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल मिल उस उसमें आपको जो भी आप देखना चाहते हैं टॉपिक वो आप सर्च कर सकते हैं बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे रेगुलर अपडेट जो है वो एफ और इंस्टा पे तो आप देख ही लेते हो तो वो कोई टेंशन नहीं है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो भी आपको मालूम है कि आपको क्या करना होता है मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होता है और मैं हमेशा आपके जवाब देती हूँ आपको ये भी मालूम है ठीक है तो आज हमारा बायोफ्यूल का टॉपिक खत्म हो गया ये तकरीबन हमारे इन्वायरमेंट के जो टॉपिक हैं वो खत्म हो गए हैं अब आज चालू होगा एनवायरमेंट के एम ठीक है इन्वायरमेंट हमने पूरा पढ़ लिया है एक पूरा कंसेप्ट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है अब अपन बढ़ेंगे एम पे तो उससे पहले मैं ये कहूँगी कि एन्वायरमेंट जितने टॉपिक एक बार रिवाइज कर लो ताकि में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है एग्जामिनेशन आने वाला है, बहुत -फट पढ़ाई करनी है, बहुत से हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है पचास चीजें आधी अधूरी करने से बेटर है कि दो टॉपिक पढ़ो लेकिन सही पढ़ो इसका मतलब ये नहीं कि दो ही पढ़ने, पढ़ने पूरे हैं लेकिन अभी जो पढ़ाया है वो कम से कम ढंग से पूरा करो ठीक है सो वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन तब तक आप लोग ये टॉपिक पढ़िए इन्वायरमेंट के भी सारे टॉपिक रिवाइज कर लीजिए ताकि अपन अपनसी क्यूज हैं वो बढ़िया सब अटेप कर पाए ठीक है सो बी रेडी फॉर द ओलंपियाड एंड आई एल सी यून द नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच